बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किया है, रेशमी धागे का ही इस्तेमाल किया है डिज़ाइन तैयार करने में। यहाँ पर छोटा सा बुकरम का चुरास पीस कट कर लेंगे। इस बुकरम के छोटे से पीस को ही बैंड की एक साइड पर दो डब्बी की शक्ल में ही मार्किंग कर लेंगे। इन दोनों डब्बियों के दरमियान में ही फिर छोटे से पीस को ही रख कर एक और डब्बी ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरह बैन के एक सेट पर डिज़ाइन की मार्किंग मुकम्मल, और यहाँ पर पैमाने की मदद से दो सूत्र आगे ही लाइन लगा देंगे, और दूसरी सेट पर भी इसी तरह दो सूत्र आगे ही लाइन लगा देंगे। तो बैन के दूसरे हिस्से पर भी उसी तरह दो दो सूत्र आगे ही लाइन मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ से जो हमने मार्किंग की है इसे आपस में ही बराबर कर लेंगे। दोनों ही सेट पर इस तरह लाइन लगा देंगे। इस तरह बैन के ऊपर मार्किंग मुकम्मल, और पट्टी के ऊपर इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। पट्टी और बैन के ऊपर मार्किंग मुकम्मल। अब हम इसे ही प्रेसिंग करेंगे। इस तरह प्रेसिंग मुकम्मल। अब हम इसे सिलाई करेंगे। यहाँ पर ऐसे सही सिलाई करेंगे ताकि डिज़ाइन सही तरीके से वाज़े हो सके। जो हमने डब्बी तैयार की है उसके ऊपर भी सही तरीके से सिलाई करें ताकि इन डब्बियों को जो नोक है वो सही तरीके से ही तैयार हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिले। यहाँ पर जो दरमियान में डब्बे हैं इनको भी उसी तरह सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह आज का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मुकम्मल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना।